आपका लक्ष्य क्या है? कभी आपने उसे कहीं लिख करके रखा? कभी आपने किसी कागज पर अपने लक्ष्य को लिख करके अपने कमरे में टांगा? अगर टांगा तो आपने कितनी बार दोहराया? जिसने यह शुरू कर दिया उसने सफलता की पहली क्लास पास कर लिया। और जो अभी भी हर पल 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 अपनी भावनाओं में बह रहे हैं, उन्होंने जीवन की पहली ही क्लास में फेल हो गए। जीवन में सफल होना है, जीवन में तरक्की करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने गोल को प्राप्त करना है, जो चाहते हो हासिल करना है, तो ये 7 सीढ़ियां हैं। संसार में जितने भी लोग सफल हुए वे सभी इन्हीं 7 सीढ़ियों पर चढ़ करके सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। अगर आपको सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो इन 7 सीढ़ियों के ही सहारे आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, आप क्या चाहते हैं, क्या करना है। सबसे पहले ये जरूरी है कि वह निश्चित होना चाहिए हम क्या करना है। नंबर 2, आपने अपने लक्ष्य को लिख करके अपने सामने रखना है। जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, वहां पर लिख करके रखना है, जिससे आते जाते हमारे आंखों के सामने हमेशा हमारा लक्ष्य दिखाई पड़े। नंबर 3, आप अपने डायरी में लिखिए कि हमारा जो लक्ष्य है हम उसे कितने दिन में हासिल करूंगा, उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होना चाहिए। और 4th सबसे बड़ी बात है, 4th सीढ़ी है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो काम करना है वह स्पष्ट होना चाहिए कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। 5, लक्ष्य की प्राप्ति का योजना बनाना चाहिए और भी लिख करके रखना चाहिए। देखिए, आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं उनके तरीकों को ढूंढिए और उन सब तरीकों को मिला करके अपना तरीका बनाइए। क्यों, किसी और के तरीके पर नहीं चल सकते, थोड़ी मदद मिल सकती है। आप सबको लेकर के अपना तरीका बनाइए, उसके लिखिए हमको इस पर इस प्रकार से योजना पर काम करना है। इन सब करने के बाद 6th सीढ़ी आती है। अब यहीं से आपको अपनी योजना के अनुसार अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दीजिए। और ईमानदारी से कि हम कितना काम कर रहे हैं वो भी लिखिए, कि हम सोने से पहले लिखे कि हमने कितनी ईमानदारी से काम किया है। और अंत में 7th सीढ़ी है कि हमारा रोज का एक संकल्प होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो दूरी है उस दूरी में हमने कितनी दूरी तय कर ली है। पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने कितना पढ़ लिया है, और जो पढ़ लिया है वो ईमानदारी से पढ़ा है। इसको सोने से पूर्व आप लिखिए, हाँ हमने 100% ईमानदारी से काम किया है। याद रखना, लिखित लक्ष्यों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिसने बिना लिखे कोई काम शुरू किया है वो जीवन में सफल नहीं हुआ, असफल ही रहा है। सिर्फ लिखना शुरू कर दीजिए, आपको जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप देखना, इसी कोशिश से आपका जीवन का रंग बदल जाएगा, जीवन का ढंग बदल जाएगा, और आप अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे।